गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 5:30 बजे हैं और देखिए कितना उजाला हो गया है चारों तरफ, पूरा उजाला हो गया देखिए। और आज थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, रोज़ तो नहीं चलती थी, आज थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, बस पता नहीं कैसे नींद खुल गई तो आके बाहर लॉन में बैठ गई हूँ। और मन कर रहा है कि जाऊँ छत पे घर, तो अच्छी हवा भी लगेगी और वॉक भी हो जाएगी, पर पैर कह रहे हैं रहने दो, बैठे रहो जहाँ बैठे हो। तो क्या बताऊँ, दूसरों की सुनने की आदत है तो पैर की भी सुनी हुई हूँ और बैठी हुई हूँ। बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है, कोयल भी बोल रही है, बहुत कम आवाज़ आती है कोयल की, बहुत कम दिखती है कोयल। अगर आपको भी आ रही है तो ये देखिए कोयल पक्षी बहुत सारे बोल रहे हैं। और मैं कैसे क्या व्लॉग बनाऊं, बहुत ही सारा काम घर में हो रहा है और घर में भी आपको बैकग्राउंड साउंड म्यूज़िक सुनाई देगी मेरे व्लॉग में, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम चल रहा है, कहीं ड्रिल मशीन चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और कुछ रूम्स में फॉल सेलिंग हो रही है तो घर पूरा धूल से भरा हुआ है, बहुत सारा घर में इधर उधर सामान फैला हुआ है। और अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, फिर आपसे आगे मिलूँगी। घर में ज़रूर फूल पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं और हो सके तो बाहर भी कहीं ज़रूर पेड़ लगाएं। आपको इनकी कीमत गर्मियों में बहुत पता चलती है। और सच में आज बहुत अच्छी चल रही है, बहुत दिनों के बाद चल रही है, अरे वाह, मतलब हवा भी बिल्कुल अपनी गति में चल रही है और पंछी भी बोल रहे हैं, जिससे मुझे दो लाइन का गाना याद आ गया। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, खुशबू लुटाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो कोई दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, खुशबू लुटाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो कोई दिलरुबा। बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इसलिए आज बहुत ही अच्छा लग रहा है ये हवा। ये देखिए फॉल सीलिंग हो रही है और पूरे तार बिखरे हैं और धूल बहुत ज़्यादा ज़्यादा है चारों तरफ। हाँ जी दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और मैंने बाल धुल के नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आज व्लॉग 2-3 दिन लेट हो गया क्योंकि कुछ रीज़न थे और घर में भी जो काम हो रहा है उसके पीछे सारा सामान इधर से उधर करने में निकल जाता था, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। पर आज से फिर से कोशिश कर रही हूँ और अभी भी काम तो शुरू ही है, काम हो ही रहा है, लेकिन मैं इसमें व्लॉग बनाती रहूँगी, आपसे जुड़ी रहूँगी। मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और किचन में बनने जा रही है अभी चाय सुबह की। और चाय बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि गैस की और पानी की। अब मेरा पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा है तो मैं उसमें भी डालने के लिए, ये देखिए मैंने ली है ये जिंजर और ये छोटी इलायची, ये स्टार इलायची भी पहाड़ों पे डालते हैं बट यहाँ पे इसे कोई पसंद नहीं करता, इसको सब्जियों में डाल देती हूँ। सब्जियाँ क्या, वो बिरयानी या फिर जीरा राइस में पड़ती है तो अच्छी लगती है, और पहाड़ों पर जैसे चाय में ही डालते हैं पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता लोग सभी को, तो मैं इसे नहीं छोटी इलायची और ये मैं डालती हूँ कुछ कुछ। अच्छे तरीके से कूट लीजिए और रोटी में कमी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी याद करके कूट लीजिए फिर चाय बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि सारा अदरक और इलायची का जो रस है, फ्लेवर है, वो इसमें आ जाएगा। इसमें मैं डालने जा रही हूँ कड़क चाय पत्ती।
वन स्पून मोर, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी चाय पसंद है। और छोटे छोटे जितने आपने कप चाय ली है उतनी स्पून शुगर, ये देखिए वन, पूरा फुल भी नहीं है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, थ्री एंड फोर, ये फोर कप चाय। तो इसे अब आप जितना खौलाएंगे, जितना डार्क करेंगे, इसका कलर उतना अच्छा आएगा, इलायची उतनी ही घुलेगी। टिंग टिंग, सुबह सुबह बिना चाय के कैसा लगता है? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुबह की चाय आपके नाम। ये क्या हो रहा है? ये ऑनलाइन आइसक्रीम आई है 5 मिनट के अंदर। अरे बहुत जमा हुआ ये। अरे तुरतुरी आइसक्रीम कैसे खाई जाए? अरे बाप रे बाप, इसको थोड़ा पिघलने दीजिए। नहीं पिघल गई तो पिघल गई, फायदा क्या, जूस पी लो तुम इसका। निकलेगा कैसे ये? तो बस करो मैं पूरा डिब्बा खा जाऊं। क्या आप खा जाएं? ही जा रही है। हेलो, ये ये क्या हो रहा है? क्या पूरा सब्जी खाई जा रही है कि आइसक्रीम? पूरा डिब्बा आइसक्रीम खत्म हो गई तीसरी बार। अब मैं जाके ये खाई हुई आइसक्रीम, ये बॉक्स की हालत है। ये अभी ये डिब्बा मंगाया गया था और आज अभी ये भरा था और अभी ये 5 मिनट में खाली हो गया। 5 मिनट खत्म हुआ है। ये देखिए सब, क्या बताया जाए, ऐसे कोई आइसक्रीम खाता है? ये मतलब क्या है ये? पेड़ कोई भी लगाओ ना तो फल देते हैं और आप उनसे बहुत सारी चीजें, एक पेड़ लगा के बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हो। अब ये जो बेल का पेड़ है ये तो एक धर्म से जुड़ा ही है जो शिव जी को बहुत प्रिय है। बाकी ये देखिए फल भी गर्मी में वो दिए हैं बेल, तो इसलिए पेड़ जरूर लगाएं। हाँ जी दोस्तों, इधर कुछ दिनों से किसी रीजन की वजह से बहुत फीका फीका खाना खाया जा रहा था, वो बन रहा था, तो आज वो आज़ादी मिली है कि आप खा सकते हो स्पाइसी चटपटा मस्त। तो अब मन में बहुत बहुत चीज़ें आ रही है, क्या करें। तो अभी तो सब यही हो रहा है कि बस जल्दी से एक बार खूब मिर्चीदार बढ़िया चटपटी पकौड़ी बनाओ। तो अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने और जैसे ही बनती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आलू की पकौड़ी है, पुदीने की चटनी है और मिर्चीदार की यम्मी यम्मी। और अब मैं जा रही हूँ शुरू करने, पहले बेसन को फेंट लेती हूँ फिर आपसे मिलते हूँ। देखिए बेसन का घोल, ये बहुत पतला नहीं अच्छा लगता और इसमें क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं धनिया पत्ती, ग्रीन चिली सब डालूंगी। चांद सितारे फूल खुशबू शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल खुशबू शाम सवेरा एक तरफ, उसकी बातें उसका हंसना उसका चेहरा एक तरफ, है ना। 100 ख्वाब हैं एक जिंदगी, क्या क्या पूरी करेंगे, इसलिए उस दौड़ में मत रहिए और जो सामने हो उसका आनंद लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। अब मेरा तेल गरम हो रहा है पकौड़ी का, तो अब उसमें मैं पकौड़ी तलती हूँ और गरम गरम खाती हूँ। मैं फिर से ही कहूँगी खाने की हमेशा इज्जत करें, बहुत सौभाग्य से हमें अच्छा खाना मिलता है और उसको कभी भी बर्बाद मत करिए। किसी भूखे को खिला दीजिए, किसी जीव के सामने खाना दीजिए वो खा ले, बट उसको बर्बाद, उसको डस्टबिन में मत डालिए। और बहुत सौभाग्य से खाना मिलता है, जब उसकी कमी फील होती है तो पता चलता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम अच्छा खाना खाते हैं। और हम जब तक ये तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है और ये इसका सब रेडी है पकौड़ी का, तब तक एक शायरी हो जाती है। रेडी हो गई है और मैं एक खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। इतने दिन बाद इतनी क्रिस्पी, इतनी स्पाइसी, इतनी चटपटी
पकौड़ी ऐसी होती है, मैं तो भूल ही गई थी। बहुत यम्मी है। ये पनीर की पकौड़ी है और ये है आलू की, ये आलू की है, बाकी ये लेमन। देखिए इसके जोक्स बहुत आ रहे हैं आजकल, बट ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ जोक्स में ही इसकी सारी कीमत है। ओके, तो मैं इसको ग्लास में कोल्ड ड्रिंक के साथ ऐड करूँगी। ये मेरी ड्रिंक रेडी है और बनाऊँ। हाँ जी, अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है और मैं कल मार्केट गई थी तो मुझे ये वहाँ से लेदर का नहीं है ये। हाँ जी दोस्तों, अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो मैं ये आपको ये बता दूँ कि कल मैं ये गई थी तो मैंने ये बैग खरीदा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसमें कोई भी सामान डेली यूज़ के रख के ले जा सकते हो, प्लस ये मंदिर जाने के लिए बेस्ट है क्योंकि मंदिर में लेदर का पर्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो प्रसाद वगैरह रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बस कल फिर मिलेंगे आप नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी जो मर्जी आए वो कीजिए, बट खुद का ख्याल रखिए, गर्मी धूप से बचे रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी जो मर्जी आए करिए, प्लीज़ काउंट डाउन बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए बाय बाय।